श्री कृष्ण भगवान अपने सर पर मोर पंख क्यों लगाते हैं और उनको बचपन में गोबर से क्यों नहलाया जाता था। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो उनपे बचपन से ही बहुत सारी बुरी शक्तियों का साया था, इसीलिए बचपन में उनके पैदा होते ही उन्हें गोबर से नहलाया गया था। और जैसा कि आप सबको पता होगा, उन पर पूतना एक ऐसी राक्षसी थी जिसका श्री कृष्ण पर बहुत बुरा साया था, लेकिन बचपन के समय ही श्री कृष्ण में इतनी शक्तियाँ थी कि उन्होंने पूतना राक्षसी को वहीं पर मार डाला था। उसके बाद भी पूतना राक्षसी की बुरी नजर श्री कृष्ण पड़ चुकी थी, जिसके बाद उन्हें गोबर से नहलाया जाता है जिसकी वजह से उनके ऊपर से बुरी नजर हट जाए, जिससे यह पता चलता है कि गाय के गोबर में कितनी ताकत होती है। अब अगर बात करें कि श्री कृष्ण मोर पंख सर पर क्यों लगाते हैं, तो इसका भी एक रीजन यही माना गया है कि मोर पंख लगाने से बुरी शक्तियां दूर रहती है, इसीलिए मोर पंख श्री कृष्ण के हमेशा सर पर रहता है।